नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में तेल गिरते हुए देखा है या सपने में तेल को गिरते हुए देखा है, तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ, साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, आइए बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सपने में तेल गिरना या सपने में तेल को गिरते हुए देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है, जो कि जीवन में चल रही परेशानियों की ओर भी ज़्यादा बढ़ने की ओर संकेत करता है। तो यह एक नकारात्मक सपना है जिससे बचने के लिए आपको जीवन में सकारात्मक रवैया ही अपनाने की ज़रूरत है। साथ ही अपनी सोच विचार को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, तभी आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों का हल खोजने में कामयाब हो पाएंगे। सपना इस बात की ओर इशारा करता है। अगर कोई सपने में तेल को खुद के ऊपर ही गिरते हुए देखता है, तो यह सपना किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी होने की ओर संकेत करता है, जिससे बचने के लिए आपको अपनी सेहत का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। दर्शकों, आपको सबसे पहली चीज़ यह कोशिश करनी चाहिए कि आप इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बता सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप इस सपने को शेयर करेंगे, बताएंगे, उतना ही जो इसका शुभ परिणाम है वह कम हो जाएगा। अगर आप यह स्वप्न रात के 12-2 बजे के बीच में देखते हैं, तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2-4 बजे के बीच में देखेंगे, तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4-6 बजे के बीच में देखेंगे, तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, अब यदि बात की जाए कि ऐसे स्वप्न देखने के पश्चात आप अगर दोपहर या शाम को सो रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये स्वप्न का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और सारे स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। ऐसा स्वप्न देखने के पश्चात आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गरीबों में आपकी जितनी भी शक्ति है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पहले उसके अतिरिक्त आपको बस सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता को याद करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण और राधे राधे निश्चित रूप से लिखें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ से आपके सपने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सकेगा और आपके सपने का नकारात्मक प्रभाव भी कम होगा। राधे राधे।